Assalamualaikum everyone, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो मज़मून है उर्दू और उसका पहला जो अनुमान है वो है बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुमान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप सब लोग ध्यान लगा कर सुनना। सो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं और उस पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज नजर आ रहे होंगे आपको, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, वेट एंड इस पिक्चर में देखिए, इसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, राइट? सो इट्स अ गुड हैबिट, ये अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो सुबह जल्दी उठती है, और जरा यहाँ भी देख लीजिए, खत्म होने को आई है और ये नवाब उठ ही नहीं रहे। तो देर से उठना इज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। तो यहाँ पर वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हो रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये बहुत ही ज्यादा चुस्ती के साथ पानी नहा रहा है, और इसको देखिए, इस पिक्चर में ये पानी नहाने से पहले ही पानी को देखकर मुंह बना रहा है। एंड देन इस पिक्चर में देखिए, जैसे कि एग्स, पराठा, फ्रूट, तो इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हेल्दी फूड है, राइट? और सी हियर नाउ, इस पिक्चर में बर्गर, पिज्जा, सैंडविचेस, तो इसको देखकर कौन से भी एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये हेल्दी फूड है? नो, इट्स अनहेल्दी फूड, राइट? नाउ द लास्ट पिक्चर, यहाँ पर सीयर सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उसके बाद अच्छे से हैप्पीली पानी नहाकर, हेल्दी फूड खाकर हैप्पीली स्कूल जा रहे हैं। लोग के फेसेस से नज़र आ रहा ना कि ये लोग खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। एंड नाउ इस पिक्चर्स में देखिए, पहले तो उठ रहे ही लेट है, उसके बाद पानी नहाने के लिए भी उसके बाद हेल्दी फूड खाकर ऐसे सैडली स्कूल जा रहे हैं। लोग के फेसेस से ही नजर आ रहा ना, आर दे हैप्पी? ये लोग खुश लग रहे हैं, पिक्चर से या रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि आप जिस एक्टिविटी को करते उसको राइट मारना है। अब जैसे मैं सुबह जल्दी उठने की हैबिट है मेरे को, तो इट्स अ गुड हैबिट ना, तो मैं इसको राइट मारूंगी और यहाँ रहूँ। ओके, तो आप जो हैबिट को फॉलो करते हैं उसको राइट मारिए, और जो हैबिट नहीं फॉलो करते उसको रॉन्ग। एंड नाउ पहले सबक से शुरू करते हैं, जो है हरूफ के नाम और छोटी शक्लें। सो स्टूडेंट्स, जैसे हर इंसान का नाम होता है, फैमिली होती है, वैसे ही हरूफ के भी नाम होते हैं और फैमिली होती है। और जैसे कि हर हरूफ का एक नाम है और एक आवाज़ भी है, यानी सीयर हरूफ अलिफ, इसका नाम अलिफ है और इसकी आवाज आ, अलिफ जबर आ जैसे आवाज है। तो हर हरूफ की छोटी शक्ल भी होती है जो कि अल्फाज को मिलाकर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो अभी हम इसको पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है? तो मैं हर अल्फाज के बीच में 2 सेकेंड्स वेट करूंगी और आपको मेरे साथ ही पढ़ना है। अलिफ, अलिफ की छोटी शक्ल, बे, बे की 3 शक्लें, बे, बे की 3 शक्लें, ते, ते की 3 शक्लें, ते, ते की 3 शक्लें, से, से की 3 शक्लें, चीम, चीम की छोटी शक्ल, है की छोटी शक्ल, खे की छोटी शक्ल। तो स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और याद भी करना है, ठीक है? और हम इसको कंप्लीट करेंगे अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें।
रखिए, अल्लाह हाफिज़।